सभी अपनी सेहत को लेकर खास ख्याल रखते हैं। हालांकि लोग बीमार पड़ते रहते हैं, लोग कोरोना, फ्लू आदि से संक्रमित होते रहते हैं। इसके लिए लोग दवा, वैक्सीन आदि लेते हैं। लोग लंबी उम्र जीने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बहुत से लोग कार्डियक अरेस्ट, ब्लॉकेज, किडनी की समस्या, लीवर की समस्या आदि से पीड़ित होते हैं। इसके लिए उन्हें सर्जरी करवानी पड़ती है। यदि आप हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित हैं, तो क्या सिर्फ हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना आसान नहीं होगा? हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हृदय को कम से कम 95% मिलन होना चाहिए। ये बहुत कठिन सर्जरी है। 2011 में टेक्सास अमेरिका में डॉक्टर बिली कॉर्न और डॉक्टर बस फ्रेजर एक ऐसी मशीन पर शोध कर रहे थे जो मानव को बिना दिल के जीने में मदद करे। डॉक्टर एक ऐसी मशीन पर शोध कर रहे थे जो मानव हृदय की जगह लेगी। ये कैसे संभव हो सकता है? उन्होंने पहली बार 8 महीने के बछड़े में इस विचार का परीक्षण किया। उन्होंने बछड़े के दिल को निकाल दिया और इसे 2 सेंट्रिफ्यूगल पंप्स के साथ सफलतापूर्वक बदल दिया, जो उसके शरीर में रक्त प्रसारित करते थे। आमतौर पर दिल की लय को EKG मशीन पर ट्रैक किया जा सकता है। जब उन्होंने बछड़े की जांच की, तो कोई पल्स नहीं थी और EKG टेस्ट में एक फ्लैट लाइन थी। जब उन्होंने बछड़े की जांच की और स्टेथोस्कोप से उसकी छाती को सुना, तो वे दिल की धड़कन नहीं सुन सके। EKG टेस्ट में एक फ्लैट लाइन दिखाई दी। इसके बावजूद बछड़ा इधर उधर खेल रहा था और डॉक्टर के हाथ को चाट रहा था। 38 बछड़ों पर अभ्यास करने के बाद डॉक्टर कॉन और डॉक्टर फ्रेजर ने मानव परीक्षण में प्रगति की। 55 साल के क्रेग लुई एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित थे, जिसके कारण दिल, किडनी और लीवर तेजी से खराब हो जाते हैं। वह जल्द ही मरने वाले थे। डॉक्टरों ने उनकी पत्नी से कहा कि क्रेग 12 घंटे से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। उसकी पत्नी दुखी हो गई, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि उनका दिल ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा। डॉक्टरों ने तब उसे उस मशीन के बारे में बताया जो क्रेग को लंबा जीवन जीने में मदद कर सकती है। अपने पति को बचाने के लिए बेताब पत्नी डॉक्टर कॉन और डॉक्टर फ्रेजर के पास पहुंची। एक बार जब उसने सर्जरी के लिए सहमति दे दी, तो डॉक्टरों ने उसके पति का दिल निकाल दिया और कृत्रिम उपकरण लगा दिया। सर्जरी मार्च 2011 में हुई और क्रैक डॉक्टरों द्वारा बताए गए 12 घंटों से अधिक समय तक जीवित रहे। दुख की बात है कि अप्रैल 2011 में उनका निधन हो गया, लेकिन वे मैकेनिक दिल के साथ 1 महीने से अधिक समय तक जी पाए। रोगी का जीवन काल रोगी पर निर्भर करता है। दुख की बात है कि उनका निधन हो गया। क्या अनूठी अवधारणा है। आमतौर पर हृदय वह होता है जो शरीर में रक्त पंप करता है। इस अवधारणा में एक मशीन हृदय के बजाय रक्त को पंप करेगी। मशीन कोई पल्स नहीं देती है, केवल मधुमक्खी की तरह गुनगुनाहट की आवाज आती है।
डॉक्टरों ने कहा कि निरंतर प्रवाह वाले पंप अन्य कृत्रिम हृदयों की तुलना में अधिक समय तक चलते हैं और कम समस्याएं पैदा करते हैं।